जनवरी में प्रारंभ हुए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण का दूसरा पड़ाव आ पहुंचा है। इसके तहत विशेष अभियान चलाकर विशेष तौर पर स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगाकर उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के भयंकर खतरे को देखते हुए पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान चलाकर हर नागरिक को सुरक्षित करने का कार्य अभी जारी है और इसकी दो लहरों में हुए नुकसान को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित करना भी जरूरी था, जिसे देखते हुए जनवरी माह से 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया। इन बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था, जिसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद लगनी तय थी, जो कि अब लगना प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में इसकी बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें बालक बालिकाएं अपना वैक्सीनेशन पूरा करा रहे हैं। नगरपालिक निगम भिलाई के वार्ड 21 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में भी स्कूल प्रबंधन की मदद से बेहतर व्यवस्थाएं बनाकर बच्चों का वैक्सीनेशन पूर्ण कराया गया, जिसमें स्कूल की प्राचार्य सुश्री एवी मिसिर एवं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं की टीम द्वारा बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाई गई एवं वैक्सीनेशन लगने के बाद आधे घंटे तक एक अलग कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए रखा गया। स्कूल परिसर में सभी विद्यार्थियों द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर मास्क पहना गया था, ताकि वैक्सीन लगाते समय भी कहीं कोई संक्रमित ना हो जाए, जिसकी हिदायत स्कूल प्रबंधन द्वारा पहले ही दे दी गई थी। दोस्तों, कोरोना जिसके नाम से ही रूह कांप जाती है और पिछले दो इसके लहरों में हमने इतना दंश झेला है कि हमने अपनों को भी खोया है और बहुत कुछ तबाह हो गया, और एक ही डर हमेशा बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चों को भी इस चीज की बीमारी ना लग जाए। इसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अभियान चला करके 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पहली डोज उनकी कंप्लीट हो चुकी थी जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही, और ठीक 28 दिन बाद अब दूसरे डोज की तैयारी हो चुकी है, और अब बच्चों ने जागरूकता पूर्वक अपने पिता अपने माता के आज्ञा से अपने दूसरे डोज का वैक्सीनेशन भी पूर्ण करा लिया है, और अब हमें कुछ शांति मिल सकती है। उन पालकों को भी शांति मिल सकती है जिन्होंने कोरोना का दंश झेला है पिछले दो वर्षों में। अब ये नौनिहाल काफी सुरक्षित है, और इसके लिए नगरपालिक निगम भिलाई द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था अपने क्षेत्र के स्कूलों में बनाई गई है। इसे देखकर वे लोग भी जागरूक होने चाहिए जिन्होंने अब तक अपना दूसरा डोज या पहला डोज तक नहीं लगवाया है। जरूरी है कि इस महामारी से बचने के लिए हम अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।